दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माय इंट्राडे में। दोस्तों देखते हैं कि कल मार्केट में कहाँ मोमेंटम हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। दोस्तों उसके पहले अगर आपने ये मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। मेरे पास इतने फोन आए, सबने यही कहा कि सर क्या आप जादूगर हो, आपने जो लेवल्स दिए मार्केट वहां तक गया और ठीक वहां से मार्केट वापस लौट कर आया है। तो दोस्तों मैं कोई जादूगर नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ करना आपको इतना है कि जो मैं आपको बताता हूं उसको बार बार प्रैक्टिस करो। चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट, कल मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है, पहली कैंडल जो भी बनेगी उस कैंडल के ऊपर आपको बाई करना, मार्केट जाएगा यहाँ तक। मार्केट देखिए यहाँ तक गया, ये मैंने कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आज ड्रॉ नहीं किया है। जो मैंने कल ड्रॉ किया था, कल वाला वीडियो आप खोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेवल्स कल दिए थे सेम के सेम लेवल हैं, मैंने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है। कल का वीडियो आप जाकर देखिए। और मैंने आपसे कहा था कि 37501 के नीचे निकले तो आप इसे सेल करिएगा, यहाँ पर सेल बनेगा लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो देखते हैं कि अब मार्केट में कल क्या हो सकता है। दोस्तों मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यही मेरे 38,114 लेवल तक गया, ठीक वहीं पर टच करके मार्केट में रिवर्सल आया। और जो मेरा ये लेवल था 37,656, यहाँ से फिर एक बार घूमा और उसके बाद नीचे आया और 37,501 लेवल तक आया और एक 37,501 से फिर 37,656 तक गया और फिर यहाँ पर आया। तो आप देख रहे हो कि जो लेवल्स मैंने आपको दिए मार्केट उन लेवल्स तक जाता है, आप किसी भी एक लेवल को पकड़कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपको कल क्या करना है, कल इस लेवल के बीच में तो आपको कुछ भी नहीं करना। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, जिस तरह से आज ये कैंडल बनाई है रेड वाली, अगर मार्केट इस रेड कैंडल के नीचे ओपन होता है, आप यहां पर सेल कर सकते। टारगेट रहेगा 37,145, दूसरा टारगेट रहेगा 36,803। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर चलना शुरू करता है और 37,656 के ऊपर निकलता है तो दोस्तों मार्केट फिर से 38,114 तक जा सकता है। आपको केवल वही बाई और सेल करना है जहां मैंने आपको बताया, मतलब इस जोन में आपको कुछ भी नहीं करना है। जब मार्केट 37,656 के ऊपर निकलेगा तो यहां पर आप बाई करेंगे, ये आपका टारगेट रहेगा। 37,501 के नीचे निकलता है, इस लो लेवल को ब्रेक करता है, आप यहां पर सेल करेंगे और मार्केट 37,145 तक जा सकता है। ये तो बात हो गई मार्केट के फ्लैट ओपन या इस रेंज में ओपन होने पर। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 37,145 के आसपास ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, यहां पर आप बाई करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है, यहां पर एक बियरिश कैंडल फॉर्म करता है तो आप यहां पर सेल करेंगे। सिंपल सी ट्रेडिंग करना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये देखिए निफ्टी के लेवल, निफ्टी में यहां पर आज ओपनिंग हुई, पहली कैंडल के ऊपर निकला, सिंपली बाइंग थी। कल मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके बताई थी, मैंने कहा था पहला टारगेट आपका ये रहेगा। क्या आपको पहला टारगेट मिला? हाँ बोलिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला तो वीडियो देखिए, फिर वीडियो को लाइक करिए। और उसके बाद मार्केट ने इन लेवल्स को देखिए कितना अच्छा सपोर्ट किया। जो लेवल्स मैंने आपको एक बार दे दिए, मार्केट उन लेवल को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता है। अब कल क्या करना है, मार्केट ने 17,640 के नीचे क्लोजिंग दे दी। कल मार्केट अगर 17,640 के ऊपर ओपन होता है, ध्यान दीजिएगा,
अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर आपको एक बाई करना है। मार्केट दोबारा 17,748 पहला टारगेट, 17,801 दूसरा टारगेट, और ये रहेगा तीसरा टारगेट। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 17,575 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं और मार्केट दोबारा 17,640 तक जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मार्केट में जब इस तरह का मूवमेंट होता है, वैसे तो मार्केट बिल्कुल डाउन पर जाकर बंद हुआ है, ठीक है, तो जब डाउन पर जाकर बंद रहता है तो ज्यादातर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहां पर क्लोजिंग दी है। इस कंडीशन में कल के दिन मार्केट केवल एक वोलाटाइल मार्केट होकर एक रेंज में बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कल 17,500 और 17,800 इन दो लेवल को पकड़कर चलिए। कल मार्केट में क्लोजिंग 17,500 से 17,800 के बीच होनी चाहिए, यही कल की एक्सपायरी होनी चाहिए जो मुझे लगता है। और अगर मैं आपको कहूं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप प्रॉफिट दिखा दिया करिए। देखिए ये मेरा प्रॉफिट है, मैं आप लोगों को डाला हूं वही प्रॉफिट है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉफिट लगातार 1,00,000 के ऊपर हो रहा है, उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोगों को समझाने के लिए मैं मार्केट को और पैनी नज़र से देखता हूँ, उसका बेनिफिट मुझे भी मिलता है, उस बेनिफिट की वजह से ही मैं और अच्छी ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ। तो कुछ दिनों से लगातार 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ 20,000 रुपये का रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्रूड की बात कर लेता हूँ, देखिए क्रूड में जो लेवल्स हमने आपको दिए थे उन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया, और अब दोबारा क्रूड जहां पर इसने समय बिताया था उसी लेवल के आसपास, यानी इस लेवल पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहां पर सेल करिए, अगर इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल निकलकर क्लोज कर देता है तो यहां पे आप बेहिचक बिना डरे हुए बाई करिए, आपका टारगेट दोबारा 5,880-5,920 रुपये आपको मिलेगा, क्लियर। और इसके नीचे निकलता है आप सेल करिए, पहला टारगेट 5,720, दूसरा टारगेट 5,670, ये टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। देखिए जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे अभी तक मैंने उन लेवल्स को हटाया नहीं है। देखिए ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस लेवल को कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूं, इनकी अब जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये मार्केट का वही लेवल है जो क्रूड में अभी हमने आपको बताया, ये और ये लेवल। मार्केट क्या कर रहा है इन लेवल के बीच में, समय बिता रहा है। अगर मार्केट पुनः इसके ऊपर निकलता है यहां पर आप बाई करेंगे, और इस लेवल के नीचे जाता है तो आप इसे सेल करेंगे। 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 5 रुपये 6 रुपये का टारगेट लीजिए और आराम से बैठे रहिए। तो नेचुरल गैस में इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं फिर से एक अच्छा लेवल डाल देता हूँ, ये और ये, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बाई करिए, इसके नीचे निकलता है आप सेल करिए। उम्मीद करता हूँ कि कल के वीडियो को रिलेट करके आप देखेंगे तो आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं लगातार आप लोगों को देता रहता हूँ। अगर मैं टेलीग्राम चैनल ओपन करूँ कोई बात नहीं, ये देखिए मैंने आप लोगों को 11:19 पर डाल दिया था कि मैंने 82,000 का प्रॉफिट बुक किया है। उसके अलावा मैंने आपको एक स्ट्रेटजी भी इसमें शेयर की है, और मैंने आपसे कहा है कि इसमें सिर्फ 1,221 रुपये का लॉस है,
बाकी 6,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। बहुत से लोगों को आज प्रॉफिट भी हुआ है, और जो 3 स्टॉक मैंने आप लोगों को दिए थे उन 3 स्टॉक ने सुबह खुलते ही साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैंने सीजी पावर सेल करने के लिए दिया था, आप देख सकते हो कि सीजी पावर नीचे गया है, और ये दोनों बाई करने के लिए दिए थे, और मैंने इसमें आपको टारगेट दिए थे 512 तक के। गौर करिए आप, मार्केट में कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने आपको 500 से 501 के बीच में बाई करने को कहा था, 495 स्टॉप लॉस था, 506, 509, 512 टारगेट थे। ये देखिए 512 टारगेट मिले, यहाँ पर भी 147, 148 के बीच में बाई करने के लिए दिए था, ये टारगेट था। ये जिस समय मैंने स्क्रीनशॉट डाला था उस समय 148 रुपये 90 पैसे चल रहा था, यानी आप इन दोनों के बीच में उस समय खरीदे होते तो इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पे 120 से 119 के बीच में सेल करने के लिए बोला, 117 रुपये चल रहा था, 116 रुपये टारगेट था, वो भी इसमें दिखाई दिया होगा आपको। तो दोस्तों मार्केट को समझिए, बहुत आसान होता है मार्केट। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।